डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ, जो फंक्शन होगा हमारे पास एफ, इज़ इवन ऑड और नाइदर, कि वो फंक्शन इवन है, ऑड है या नाइदर है। सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सिंपल सिंपल हम करेंगे रिप्लेस एक्स, रिप्लेस करेंगे एक्स विद माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वेयर पावर 1/3 प्लस 6। हम सिंपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि हमारे पास ये फंक्शन है इवन है, ऑड है या नाइदर है। तो माइनस एक्स का स्क्वेयर हमारे पास होता है एक्स। एफ माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर 1/3 प्लस 6। नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। हमने किया रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो क्या आया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास फाइनल आंसर आया। सो द गिवन फंक्शन इज इवन, ये हमारे पास फंक्शन हो गया इवन। अब हम एक फोर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसकी। अभी हमारे पास डिवाइड में है, हम करेंगे उसी तरह रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एक्स डिवाइडेड बाय नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब ये हमारे पास जो फंक्शन आया है, ये हमारे पास मैच होता है एफ ऑफ एक्स से कि नहीं, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नहीं है। हमारे पास अगर हम इसमें कॉमन ले लें, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स, नेगेटिव कॉमन ले लें अगर, फिर हम एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब जो फंक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स। नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, नेगेटिव में आ गया। सो द गिवन फंक्शन इज ऑड। वो मैं एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं इसकी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर, ठीक है, सॉल्व। वही सिंपल यूज करेंगे इसमें, रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स। जब इसमें माइनस एक्स हम रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वेयर। हमारे पास जो फार्मूला है इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस 2ab। अब इसमें नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हमारे पास पूरा a ही होगा, फार्मूला हमारे पास ये सिंपल रहेगा, नेगेटिव नहीं आएगा इस फार्मूले में। नाउ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2। ए हमारे पास क्या है माइनस एक्स, और बी हमारे पास क्या है 2। यह आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, हमारे पास ये आ गया। नाउ
एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास फॉर्म बनी है एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, अगर हम इसको क्लोज करें तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। हम इसको ओपन करते हैं, एक्स का स्क्वायर नेगेटिव है ना, तो इस नेगेटिव का फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। हम ये फार्मूला ओपन करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर हमारे पास आएगा फोर, फोर नेगेटिव टू ए हमारे पास क्या है एक्स और टू, ये फार्मूले का टू है ठीक है, माइनस टू नहीं लिखना यहाँ पर सिर्फ टू। तो हमारे पास क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू टू का फोर एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स ठीक है, ये एक्स्ट्रा। तो हमारे पास जब हम इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब जो हमारे पास जो फॉर्म आई है, हम ये देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स है कि नहीं, ना ऑड है ना इवन है ना, जब इस कंडीशन में आ जाए, नाइदर की कंडीशन में आ जाए, तो हमें ये मेंशन करना लाजमी होगा कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमने मेंशन लाजमी करना है ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड।